आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार मैं लिंक शेयर कर देता हूं तब तक आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ठीक है मैं जल्दी से एक बार लिंक शेयर करता हूं और जितने लोग जुड़ गए हो ठीक है पेन पेपर लेके बैठिए ठीक है पेन पेपर लेके बैठिए ठीक है ये जैसे कि आप YouTube पे क्लास टेस्ट लगाते हो देखते हो और आंसर मारते हो उस तरीके से नहीं आप पेन पेपर लेके बैठोगे ठीक है एग्जाम आपको मुझे निकलवाना है तो मेरे तरीके से आपको चलना भी है सब लोग आंसर देंगे इसका ठीक है इस पर बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा गया था ठीक है कि कितना इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है कितना इसमें पाई बॉन्ड होता है ठीक है मैं बेंजिम का बात कर रहा हूँ एक बार मैं इसको शेयर करता हूँ और बेहतरीन ये सेशन होने वाला है तो सब लोग जल्दी से इसको शेयर करेंगे चलिए तो ये है आपका काफी कम लोग एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर पाया हूं कोई बात नहीं लोग जुड़ जाएंगे नहीं, नहीं चलिए तो ये जो हमारा होगा हमारा आज सेवेंथ पार्ट होगा हमारा टू थाउजेंड प्लस सीरीज का ठीक है अराउंडी कम्पलीटेड फोर फिफ्टी प्लस क्वेश्चन हम लोगों ने कम्पलीट कर लिया है एक चीज में और बता दू आज अगर मैं नहीं कर पाया तो कल से मैं ठीक है स्पेशली मैं दरोगा को फोकस कर रहा हूँ एज वेल एज मैं बीपीएससी को फोकस कर रहा हूँ तो आज रात से अगर नहीं हो पाया तो कल रात से मैं आपके लिए current affairs भी स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है मैं फिर से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से जो लूप होल होता है हम नहीं छोड़ेंगे हर चीज में पढ़ाऊंगा ठीक है जिससे आप नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम यू विल बी एमोंग दी जो चीज मैंने फॉलो किया था वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ठीक है तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा इसको हम लोग अभी क्वेश्चन आएगा इस पर हम लोग बात करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा चैनल पे हो सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से सो okay, so सबसे पहले हम इस कोर्स का बात कर लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो तो ठीक है चलिए तो अगर आप दरोगा का एग्जाम दे रहे हो चाहे ईएसआई का एग्जाम दे रहे हो चाहते हो कि आप भी एट्टी प्लस स्कोर करो कि जिस तरीके से हमने किया था तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो फुल्ली टोटली मेरे द्वारा वीडियो कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा प्लस पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा इसमें और क्या मिलेंगे तो फुल वीडियो कोर्स रहेगा

चीजें उतनी आगे निकल जाएगी ठीक है तो प्लीज जितना जल्दी आप ज्वाइन करें ये नंबर है व्हाट्सएप। चलो तो आज जो होगा ये साइंस का क्वेश्चन है टोटल आपके पास फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे ठीक है? टोटल फिफ्टी क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका जो कटअप रहेगा आज रहेगा आपका थर्टी एट का ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है सब लोग कर पाओगे नोटबुक आप निकाल लीजिए चलिए तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि द ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज इज ड्यू टू दी ठीक है तो ये होता है एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ दिच ऑफ फॉलोइंग किसके कारण ये होता है ये पूछा जा रहा है यहां ठीक है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर वन देखिए सब लोग कमेंट कीजिए सब लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर देखिए तो इसमें आपको दो क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि तो ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज इज ड्यू टू तो ब्लू बेबी क्यों होता है तो ये नाइट्राइट के कारण होता है दो और आप याद रखोगे पहला याद रखोगे आप मिनी माता पूछा जाएगा कि मिनी माटा क्यों होता है तो याद रखना मरकरी के वजह से होता है मतलब पारा के वजह से होता है और एक आएगा आपका इटाई इटाई ठीक है एक आएगा, आएगा आपका इटाई इटाई ठीक है तीन क्वेश्चन uh... आपको यहां से याद रखना वो क्यों होता है तो वो होता है आपका कैडमियम के कारण ठीक है ये चीज आपको याद रखना है ठीक है चीजें समझ में आ रहा है चलो तो मिनी सपोजीटा से क्या होता है? होता है तो ये नाइट्रेट के कारण पहला क्वेश्चन देख लेना आज का जो कटअप है आपका कितना है आपका थर्टी एट है ठीक है आउट ऑफ फिफ्टी चलो विच ऑफ वेवलेंथ किस में सबसे ज्यादा तरंग घेरिया होता है यहां ये पूछा जा रहा है ठीक है जल्दी से बताइए एक बार अपना आपको जो आपको देख रहे हो एक बार क्या करना अगर पीछे तरंग धैर्य किसका ज्यादा होता है तो आपने पढ़ा होगा वी आई बी जी वाईओ आर विव्यो ये है आपका प्रीजम प्रीजन से जब हम लोग इसको कौन सा बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ठीक है तो जब ये डिस्पर्सन व्हाइट लाइट क्या होता है इसमें साइंस के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूंगा बाकी क्वेश्चंस में एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है क्योंकि वो आप खुद कर सबसे ज्यादा वेब लेंथ किसका होता है तो याद रखना वी आई बी जी वाई ओ आर तो रेड का क्या होगा सबसे ज्यादा वेब होगा ठीक है और सबसे कम किसका वेब होगा तो सबसे कम होगा आपका वायलेट का अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा ठीक है किसका होगा वो रेड का होगा कि वायलट का होगा तो क्या बोलोगे फास्ट कमेंट करोगे तीन क्वेश्चन आवृत्ति और तीसरा पूछा जाएगा एनर्जी ठीक है तो पूछे कि वेवलेंथ मतलब मतलब तो किसका सबसे ज्यादा होगा तो बोलोगे रेड ठीक है पूछा जाए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा तो बोलोगे ज्यादा होगा तो वो भी होगा आपका वायलेट याद रखना फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एनर्जी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेब मतलब किसी भी कलर का वेब अगर ज़्यादा है तरंग धैर्य ज़्यादा है तो उसके अंदर एनर्जी कम होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा ठीक है प्लस एक चीज़ और याद रखना जिसका वेब लेंथ तरंग धैर्या ज़्यादा है तो वो रंग में फटाव या जो बोलते हैं ना फैलाव जो होगा वो कम होगा इसलिए जो हमारा जो रेड कलर का ही हमारा क्या बनाया जाता है डेंजर सिग्नल बनाया जाता है ताकि दूर से दिख जाए चार से पांच क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा याद रखिएगा ठीक है।, है ये पूरा वेब का कंसेप्ट मैंने पहले भी एक बार बहुत बार समझाया आपको ठीक है चलिए तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि विच एमोंग दी फुलर रेड किस तरीके से होता है कभी मैं ये भी समझाऊ क्या आप लोग समझना चाहोगे कि ऐसा क्यों होता है क्यों आखिर जो किसी एनर्जी का ठीक है जिसका अगर वेव ज्यादा है तो उसका फ्रीक्वेंसी क्यों होता है चलो कभी बताएंगे आज छोड़िए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिस्टोटिक एंड ए ग्रेविटेशनल फोर्स ये किस टाइप का फोर्स है जल्दी से बताए नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है कॉन्टेक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स है या नॉन फ्रिक्शनल फोर्स है चीजें समझना है एक चीज याद रखना अगर आपने ईएसआई का पेपर दिया है इस बार ठीक है जो जो सिलेक्ट हुए ठीक है या जो सिलेक्ट नहीं भी हुए पेपर तो सबने दिया होगा ना उसमें एक क्वेश्चन आया था याद है किसी को इंडक्टर के ऊपर एक क्वेश्चन आया था तो वो अब चीजों को घुमा रहा है ठीक है इजी क्वेश्चन तो आपको गलती करना ही नहीं है ठीक है यही चीजें बार बार कोर्स में बताया हूं कि इजी चीज तो गलती करना ही नहीं है और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उसको समझना है जैसे ये क्वेश्चन देखो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ किस कैटेगरी के, के अंदर आता है ठीक है जल्दी से बताइए इसमें भी सी मार रहे हैं आप लोग सब लोग समझ लो आप कहाँ हो आप ठीक है अब हम कुछ नहीं बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे या थोड़ा भी अगर आपने रत्ती भर भी पढ़ा है कहीं भी ठीक है अभी तक तो आपको पता है कि मैग्नेटिक चाहे इलेक्ट्रॉनिक चाहे ग्रेविटेशन नॉन कॉन्टैक्ट होता हो बोलेगा सर कैसे आप तो ऐसे ही बोल रहे बता दो थोड़ा देखो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट फोर्स पढ़े हो ना जैसे कि एफ है फोर्स दो बॉडी के बीच में हमेशा फोर्स लगता है मान लो एक बॉडी हमारा अर्थ है दूसरा बॉडी हमारा क्या है मून है इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है और ये फॉर्मूला याद रखना ठीक है इससे आप क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछेगा देख लेना तो तो ये आप तो ये 2, ये आप स्क्वायर जो मास 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 है बॉडी बॉडी ऑफ ऑफ एंड दोनों कभी में नहीं आते कभी देखो क्या चांद पे अर्थ गिर गया या अर्थ पे चांद गिर गया कभी ऐसा होता है नहीं होता है बट उन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टेटी का अगर हम लोग बात करें तो सर ये कैसे होता है तो आपने कूलम लो पढ़ा होगा कूलम लो में आपने क्या पढ़ा नॉट ठीक है देखो जितने भी कोर्स में है चीजों को मैं फिर से बता रहा हूँ गाइस लिखते हुए चलो बायोलॉजी में पढ़ा रहा हूं अच्छे से पर फिजिक्स यही सब पूछा जाएगा ठीक है जो खेल यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हो वो तो लिखो ही वन बाय फोर इंटू क्यू टू डिड बाई आर स्कोर आर याद रखना हमेशा दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस होता है आर हमेशा दो बॉडी के बीच में चार्ज होता है ठीक है तो ये होता है आपका कूलम लो तो जब भी दो चार्ज भी हमेशा दूर रखा जाता है ठीक है दोनों के बीच में फोर्स लगता है तो याद समझ में आया ठीक है तो इस तरीके से होता है ज्यादा नहीं चिल्लाऊंगा चलो अब यहां बता दो ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जाता है ठीक है हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है जो बाबर ने कर दिया कर उसमें कुछ है नहीं तो जी का भेल, जी का हमेशा यूनिट पूछा जाता है अब जल्दी से बताओ जी का यूनिट क्या होगा अब रटो मत ये फॉर्मूला आप याद रखो तो जी का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा एफ का क्या होता है न्यूटन ये आर है डिस्टेंस है डिस्टेंस का क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वेयर क्या होता है जी का हमेशा पूछा जाएगा इस तरीके से पढ़ना है आपको अगर एग्जाम निकालना है हमने भी इस तरीके से पढ़ा था चाहे किसी भी तरीके का क्वेश्चन है है प्लस ऐसे ही स्कोर होगा आपका ठीक चलो ए कूल स्टील स्पून इज डिप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ठीक है और एक एग्जाम्पल बता देता हूँ दो चुंबक रखो अलग अलग दूर दूर रखो तो क्या दोनों में फोर्स नहीं लगता है लगता है दोनों एक दूसरे की तरफ आना चाहते हैं तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एक कुल cool, देखो मैं कमेंट नहीं देखूंगा आप ध्यान पूर्वक पढ़ो ठीक है जब मुझे देखना होगा मैं देखूंगा ए कुल स्टील स्पून डिप्ट इन ए कप ऑफ ए हॉट मिल्क इट ट्रांसफर ठीक है एक आपका चाय है मान लो ठीक है चाय में आपने चम्मच एक डुबा दिया ठीक है तो चम्मच भी गर्म हो गया कैसे हुआ चालन के वजह से संवाहन के वजह से विकरण के वजह से किसके बार संवाहन और विकरण के वजह से फास्ट कमेंट करो तो इसका जो आंसर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका कंडक्शन कंडक्शन कन्वेक्शन सॉलिड में होता है ठोस में ठीक है है कन्वेक्शन जो होता हमेशा लिक्विड में होता है मतलब लिक्विड तरल पदार्थ में और रेडिएशन जो होता है हमेशा गैसेस में होता है इसे बहुत चीजें समझने के लिए जैसे कि सॉलिड में चलो अभी उतना डिस्कस नहीं कर सकते बट थोड़ा मैं चीजों को बताते हुए चलूंगा ठीक है फोर का बी बोल रहे हुं. अब जब गलत दोगे ना तो फिर मुख मेरा खुलेगा मैं बोलना चाहूंगा कि आप गलत बोल रहे हो कंडक्शन कंडक्शन कैसे होगा कंडक्शन आप यहां जब एक आपका ये है ये गर्म पानी या चाय है जो भी है आप गर्म क्या चीज को कर रहे हो गरम आप कर रहे हो किसको आप सॉलिड चीज को और सॉलिड में हमेशा याद रखना कंडक्शन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होगा उसमें जो पदार्थ है वो एक दूसरे को धक्का नहीं देंगे ठीक है कन्वेक्शन क्या होता है जिसमें पदार्थ जो एक दूसरे को धक्का देंगे ठीक है और एक से दूसरे को ट्रांसफर करेंगे तब वो हो कन्वेक्शन होता है रेडिएशन क्या होता है वो गैसेस में होता है जैसे कि जो सूरज से किरणें हमारी धरती पे आ रहे हैं देखिए जिनको साफ नहीं दिख रहा है वो अपना रेजोल्यूशन चेंज करें यार इतना दिन से यूट्यूब पे आप लोग पढ़ रहे हो रेजोल्यूशन चेंज करो थ्री सिक्सटी में डालो उसको क्लियर दिख रहा है अभी मैं देख रहा हूं अपना मेरे सामने

टाइपो सोब जल्दी से बताइए तो डी इसका सही आंसर होगा ठीक है टिस टिस फ्लाई याद रखना इससे क्या होता है और इससे क्या हो जाएगा ये बीमारी हो जाएगा तो आपको बहुत सारा नींद आने लगेगा ठीक है याद रखिएगा टेस्ट इज फॉर द ऑफ डिजीज ठीक है जो वाइडल टेस्ट होता है किस रोग की पृष्टि के लिए वाइडल परीक्षण ठीक है वाइडल परीक्षण में तो वाइडल टेस्ट किया जाता है एड्स डेंगू टाइफॉइड या मलेरिया फास्ट कमेंट करो ठीक है क्या होगा इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा आपका टाइफॉइड ठीक है और सब लोग एक बार लाइक कर दो लाइक करो एक बार सब लोग जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना इस तरीके से आपको साइंस पढ़ना है ठीक है साइंस इसी तरीके से पढ़ना है नहीं तो फिर उसी तरीके से आप गलती करके आओगे और साइंस पे अब मैं थोड़ा आपको टाइम दूंगा ताकि आपको चीजें और अच्छी तरीके से आप समझ पाओ सब लोग एक बार लाइक करो रेशियो पर पढ़े हो ना रेशियो तो रेशियो में क्या होता है 94 लोग देख रहे हैं और लाइक ये है लाइक के बजे डिसलाइक भी आ गया बहुत बढ़िया चलो अब ये क्वेश्चन से मैंने आपको समझा गलती नहीं करोगे मैं ध्यान से सबका भी आंसर देखूंगा ठीक है पूछा जा रहा है कि बच्चे के लड़की होने लड़की कब पैदा होगा ठीक है उसका क्रोमोजोम यहां दिया हुआ है ठीक है आपको पता है कि तेईस पेयर होता है क्रोमोजोम का ठीक है गुणसूत्र का जिसको बोले जाते हैं ठीक है जिसमें कि बाईस पेयर जो होता है आपका ओटोजोम होता है और एक पेयर जो होता है आपका सेक्स क्रोमोजोम होता है ठीक है तो मेल में क्या होता है सेक्स नहीं तो फिर दसो यूट्यूब चैनल है आप जाओ और हटे रहो वही वाला बात हो जाएगा ठीक है तो विच इज पेयर इनहेरिटेड क्रोमोजोम फॉर चाइल्ड टू बी गर्ल होने के क्या एक्स एक्स होना पड़ेगा ठीक है तो एक्स फ्रॉम फादर एक्स फ्रॉम मदर Yes, बहुत ही बढ़िया ठीक है तो एक्स एक्स हो जाएगा ये हो जाएगा इसका सही आंसर और याद रखना जो बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा ये औरत मतलब फीमेल पे डिपेंड नहीं करता ये मेल के, मेल के पे डिपेंड करता है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर स्काई इज ब्लू स्काई क्यों ब्लू है आप इसका हिंदी देख सकते हो कि आकाश नीला होता है क्यों जल्दी से बताइए मैंने अभी आपको समझाया था इस क्वेश्चन का आंसर कि स्काई क्यों ब्लू होता है क्यों होता है क्योंकि ब्लू रंग जो है वो सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है ठीक है वायुमंडल द्वारा लघु तरंगों को दीर्घ तरंगों की तुलना में अधिक प्रकरण होती है तो इसका बी जो हो हो जाएगा सही हो जाएगा सही आंसर मतलब शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर मोर देन दी लॉन्ग वेव रेड जो होता है सबसे कम स्केटर होता है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन द पीएच ऑफ ब्लड बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मैं फिर से यही करा दे रहा हूं प्लस मुझे ये भी करोगे कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है जल्दी से कमेंट करोगे ठीक है प्लस जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का मूत्र जो है उसका यूरिन का कितना पीएच है देखो तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि पीएच ऑफ ब्लड मैंने हमेशा आपको इसके साथ क्या कहा है आपको आंसू का भी याद रखना है टीयर आंसू का मतलब खून के आंसू दोनों साथ में याद रखो खून का मतलब टीयर आंसू और ब्लड का क्या होता है सेवन होता है ठीक है और अगर पूछे कि आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है बहुत ही बढ़िया नितेश कुमार जी बोल रहे हैं बहुत ही रंजीत बहुत ही बढ़िया तो याद रखना चौदह जून को मनाया जाता है जिनको नहीं पता मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो कोर्स में है वो पढ़ नहीं रहे एक एक डेट मैंने आपको बोला है टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए सेवन पॉइंट फोर होता है ठीक है इसका आंसर होता है और यूरिन का कितना होता है एग्जाम के बेसिस पे अगर पूछे एग्जाम के बेसिस पे याद करके आना उसका आंसर सही मारना ठीक है

पहला क्वेश्चन सबसे प्योरेस्ट सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है तो याद रखोगे आप डायमंड डायमंड से क्वेश्चन पूछा जाता है ये क्यों चमकता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण चमक ठीक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसके बाद ग्रेफाइट एक ऐसा इसका एलोट्रॉप अप्रूप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तीन क्वेश्चन हो गया सी सिक्सटी जो है ठीक है ये भी इसका एलोट्रोप है मीथेन सही आंसर होगा क्योंकि मीथेन का फॉर्मूला होता है सी एच फोर और ये इसका नहीं है मीथेन से क्वेश्चन और याद रखेंगे मार्स, मार्स गैस भी बोला जाता है ठीक है एक क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही रिसेंट कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी ठीक है कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके द्वारा शो किया जाता है तो याद रखना कार्बन ठीक है याद रखना कार्बन ऑफ द फ्लोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड अब बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं ठीक है अब देखो कि क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है और हमने आपको क्या पढ़ाया ठीक है थीके? यही होता है स्मार्ट स्टडी देखो बायोलॉजी के चार पांच क्वेश्चन थे उस सेट में और वो चार पांच क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ अभी तक पढ़ा है ना बस वहीं से थे. देखो ऑफ द फ्लोइंग विच हॉर्मोनिज एसोसिएटेड फाइट और फ्लाइट कंसेप्ट ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा फाइट और फ्लाइट अवधारणा से जुड़ा हुआ है आपको पता है ये कौन सा इंसुलिन है एड्रीन है सब कोई बारे में समझाए जल्दी से बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा एड्रेलिन जो हो जाएगा ये क्या करता है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है सब चीज पढ़ाया हुआ है ठीक है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है थायराइड ठीक है एड्रलिन एड्र ग्लैंड से निकलता है ठीक है और ये ब्लड प्रेशर को भी करता है और इसको हम लोग फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है पेनक्रिया से ठीक है अग्नाशय से ठीक है और ये ग्लूकोज को रेगुलेट करती है हमारे बॉडी में स्ट्रोजिन ये एक सेक्स हॉर्मोन है पढ़ाया था भूल गए ठीक है सेक्स हॉर्मोन है ठीक है दो महीने पढ़ाया था एक पढ़ाया था प्रोजेस्ट्रॉन एक पढ़ाया था एस्ट्रोजेन याद रखना बीपीएससी में पूछा गया इस्ट्रोजेन याद रखना ये एक फीमेल सेक्स हॉर्मोन है ठीक है ऑक्सीटोसिन ये दूध श्रवण के लिए होता है फीमेल में ठीक है समझ में आ रहा है एक एक चीज पढ़ाया हुआ है कि नहीं है बताओ रिवाइज करके बस जाना है ठीक है रिवाइज करके जाना है। एग्जाम से पहले जितना आपको मैंने पढ़ाया तो इसका क्या आंसर होगा ये होगा एड्रेलिन, ठीक है विच अमाउ इज आर करेक्टली पेयड यह भी चीज मैंने आपको पढ़ाया पीडीएफ दिया था एनसीआरटी सार का अगर आपको याद हो तो ठीक है देखो इसको हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही दिया हुआ था पेपर में भी ठीक है मैंने कुछ नहीं बनाया इसमें जिंजर ट्यूबर पोटेटो राइजोम और ओनियन बल्ब इसमें कौन सा सही है जल्दी से बताइए कौन सा सही है अब मैं चेक करता हूँ कौन इसको सही बताता है नहीं अरे यार क्या हद नहीं है उस दीदी ना पता है कि पोटैटो ट्यूबर होता है सब लोग वन टू थ्री दे उसी ने पढ़ाया था कि पोटेटे ट्यूबर होता है ठीक है पोटेटे का ट्यूबर होता है और जो जिंजर का राइजोम होता है जाओ पेज खोल के देखो जो पीडीएफ दिया था मैंने एनसीईआरटी सार वाला पेज खोल के जाके देखना राइजोम ट्यूबर ओनियन का है ये सही है बल्ब ठीक है ये और ओनियन कैसा होता है बल्ब जैसा दिखता भी है तो ओनली थ्री जो होगा इसका सही होगा विवेक कुमार जी बोल रहे हैं केबल थ्री बहुत ही बढ़िया ऑनियन बल्ब ठीक है bulb, इस अरे सब चीज पढ़ाए गलत नहीं करना है ठीक है डिजीज़ अभी अभी ऊपर मैंने बता दिया कैडमियम ठीक है ल्यूकेमिया अगेन कल आई थिंक दो तीन दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था ब्लड पढ़ाया था ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है जितना भी टफ पूछेगा तभी भी आप आंसर दे पाओगे ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ कैंसर मैंने क्या बताया था किस टाइप का ये कैंसर है चलो हिंदी में नहीं है मैं इतना आप तो समझते हो ना ल्यूकेमिया हिंदी में भी ल्यूकेमिया ही बोलेगा ये कैंसर होता है क्यों होता है ठीक है कब होता है ये जब आपका वाइट ब्लड सेल एबनॉर्मल होने लगता मतलब अधिक मात्रा में बनने लगता है ठीक है वाइट ब्लड सेल तब क्या हो जाता है आपको ब्लड कैंसर हो जाता है और ब्लड कैंसर को हम लोग ल्यूकेमिया बोलते हैं राइट अब जल्दी से डब्ल्यू से दो तीन क्वेश्चन आप मुझे बताओगे सबसे पहले ये बताओ कि व्हाइट ब्लड सेल का सबसे बड़ा ठीक है कौन सा सेल है सबसे बड़ा कौन कोशिका कौन सा है व्हाइट ब्लड सेल में ठीक है स्वत रक्त कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है ठीक है दूसरा आप ये बताओगे कि कौन सा उस दिन ही बताया कौन सा विटामिन है जो हमारा बॉडी में डब्ल्यू बढ़ाता है फास्ट कमेंट करो ठीक है तो मैंने आपको क्या समझाया था क्या समझाया था कि व्हाइट ब्लड सेल ठीक है क्या है इसका सबसे बड़ा कौन सा है मोनोसाइट ठीक है मोनोसाइट मोनोसाइट जो है इसका सबसे बड़ा ये पूछा गया है ठीक है और दूसरा मैंने आपको क्या समझाया था विटामिन ए जो है क्या करता है डब्ल्यू को बढ़ाता है क्यों क्योंकि विटामिन ए भी मैंने ये भी पढ़ाया था विटामिन में क्योंकि इन्फेक्शन से बचाता है सब चीज वही पूछा जाएगा पढ़ना है बस आपको चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसको जल्दी से आप ये करो डिजीज में मैंने ये पढ़ाया आपको विटामिन जब डिजीज में पढ़ा रहा था ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था अब यहां बीमारी दिए हुए हैं और यहां उसके कारक दिए हुए ठीक है तो प्लेग प्लेग क्यों होता है आप प्लेग मतलब प्ले खिलने गए थे पकड़ लिया आपको कीटाणु एड सबको पता है ये तो खैर वायरस बोल्डनेस जो गंजापन होता है क्यों होता है फंगस के कारण होता है मलेरिया क्यों होता है तो ये प्रोटोजुआ के कारण आप देखो इसमें से कौन सा होगा ए का फोर ए का फोर बस यही है यही पता होता तो आपका सही हो जाता है एक का फोर मतलब फोर जो होगा इसका सही आंसर होगा 15 का ए बोल रहा है कौन है 15 का ए बोल रहा है ठीक है 15 का डी होगा पूजा अरोरा 15 का डी ठीक है रामराज बहुत ही बढ़िया चलो हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन प्लस मुझे ये भी बताओ कि ऑक्सीजन का डिस्कवर किसने किया था फास्ट करो ठीक है हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन तो याद रखोगे नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था किसने किया था नाइट्रोजन का डिस्कवर किसने किया था उसके बाद मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन का किसने किया था याद रखना क्वेश्चन नंबर नहीं है सिक्सटीन का जल्दी बताओ याद रखना कि अगर पूछे नाइट्रोजन तो बोलना रदरफोर्ड और ऑक्सीजन बोल ले तो जोसेफ प्रिस्ले ऐसे बहुत सारे एक दो और थे पर जोसेफ प्रिस्ले का नाम याद रखना ठीक है ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन जोसेफ प्रिस्ले, प्रिस्ले 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 ठीक है और नाइट्रोजन आपको याद रखना है रदरफोर्ड डिवाइस यूज फॉर दी डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन रेडिएशन को मेजर करने में कौन सा डिवाइस यूज होता है गेगर काउंटर ये भी बहुत बार पूछा गया ठीक है पोलेरी मीटर कैलोरी मीटर और रेडियोमीटर जल्दी से बताओ ये भी मैंने आई एक पेज पेज में में आ, नहीं फिजिक्स वाले ये चीज़ मैंने स्टार्ट नहीं किया चलो तो ये हो हो ये हो ये हो हो जाएगा 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 आपका क्या काउंटर कुछ नहीं है इसमें साइक्लोट्रॉन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है साइक्लोट्रॉन क्या चीज को एक्सेलेट करने में यूज होता है साइक्लोट्रॉन का उपयोग किसके संचालन के लिए किया जाता है तो याद रखना जितना भी चार्ज पार्टिकल आपका होगा चार्ज पार्टिकल ठीक है उसके यूज के लिए होंगे तो क्या हो जाएगा आपका और एक चीज आप समझ लो अगर आपको लगता है कि वही क्वेश्चन आएगा जो अभी तक आया चीजें चेंज हो रही है उसका एग्जाम्पल आपके सामने है जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ठीक है थेके? तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्रोटोन जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक चार्ज पार्टिकल है ठीक है चलो विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी बहुत ईजी है ह्यूमिडिटी को मेजर करने में क्या यूज करता है आदरता को ठीक है क्या होता है हम लोग हाइग्रोमीटर यूज करते हैं वही अगर पूछे कि रिलेटिव डेंसिटी को किस लिए किससे मेजर करते हैं तो ये होता है आपका हाइड्रोमीटर इसका सही हो जाएगा हाइग्रोमीटर ठीक है द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू प्रॉपर्ली कनेक्टेड चार्ज बॉडी इफ दे आर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ठीक है इस पर आपको न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है विद्युत प्रवाह दो ठीक है टिक से जुड़े पिंडो के बीच प्रवाहित नहीं होता आखिर क्या होगा तो ऐसा नहीं होगा चीजें वही पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा जाएगा जिस लेवल के क्वेश्चंस अब बनाए जा रहे हैं इजी क्वेश्चन सबको आता है ठीक है तो आप कोई तीस मार्क खान क्वेश्चंस को कर लोगे मार्क खान तब हो गए जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप समझ के करोगे इस टाइप में देखो क्या बताया जाए आपने ओम स्लो पढ़ा होगा भी इक्वल टू आई आर यहाँ आई होता है पोटेंशियल जिसको विवांतर बोलते हैं आई करेंट और आर होता है प्रतिरोध जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक है थीके? तो अगर दो बैटरी है आपके पास ठीक है इसमें अगर आपने इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर दिया तो क्या इलेक्ट्रिक कब पास नहीं होगा जब आपका जो विवांतर है दोनों में सेम रहेगा ठीक है ये वाला याद रखना मेरे दोस्तों ये इस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपको आने एक एग्जाम में दिख जाएगा भी इक्वल टू आई आर विभान्तर करेंट और रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है सेम चार्ज नहीं होगा कौन है बेचती हो जाएगी आपको अरे ये ओम स्लो है यार इतना तो आपने पढ़ा होगा चलो कोई बात नहीं बहुत लोग टें तो सब लोग पढ़ के आए हो ना चलो मैंने समझा दिया तो चीजें अब आपको याद रखनी चाहिए ठीक है पोटेंशियल सेम रहना चाहिए इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दो टेमा में पानी रखा हुआ है ठीक है और दोनों अगर सेम पानी रहेगा तो ट्रांसफर ही नहीं होगा द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल विच आर इसको लिख लोगे ठीक है जितने वाले कोर्स वाले देख रहे हैं उसको लिखते हुए चलोगे वन लाइनर में जो आपको नोट्स में नहीं मिला है ठीक है? तो याद इसका सही हो जाएगा। बाकी में आपको सब चीज पढ़ा है वेना का superior वेना का inferior वेना का में क्या होता है अशुद्ध रक्त आता है आर्टरीज धमनी भैन सब पढ़ा है ठीक है आप जल्दी से बता दो तो, सबसे बड़ा धमनी है, कौन सा होता है जल्दी से बताओ फास्ट कमेंट करो मैं देखूंगा आप लोग चीजें पढ़ रहे हो कि नहीं ठीक है फास्ट कमेंट करो तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको एरोटा क्या पढ़ाया था एरोटा मैंने आपको पढ़ाया था याद है ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया इसी तरीके को क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक बार सब लोग जल्दी से लाइक करो ठीक है 103 देख रहे हैं 69 लाइक है. रेशियो मैथ्स में पांच मार्क्स तो आपको कैसे आएगा अभी रेशियो ही आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है रेशियो कौन सा है वन जीरो हंड्रेड प्लस लोग देख रहे हो लाइक है आपका ये रेशियो के हिसाब से काम करो लाइक करो सब लोग एक बार इतना मेहनत लेकिन लाइक में मतलब पैसा लग रहा है आप लोगों को रोज बोलना पड़ा एलिमेंट्री कैनर इज यूज ये भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया है पूरा का पूरा जो भी उस कोर्स से नहीं जुड़े ना मैं फिर से बोल रहा हूँ मिस्टेक मत करो वो आपके लिए कोर्स बनाया गया है ठीक है वो दरोगा जो दरोगा और ई जो देने वाले स्पेशली देखो सब क्वेश्चन एलिमेंट्री कैनर इज लॉन्ग ट्यूब कहां से कहां तक मैंने आपको बताया था माउथ से लेके एनस तक ठीक है मुंह से मुंह गोवा भोकल कैविटी ठीक है याद है चलो द सेल वॉल ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म ऑफ फंगी किंगडम अगेन फंगी किंगडम मैंने पढ़ाया आपको मतलब वर्गीकरण पढ़ाया एक चीज आप देख लो जो मैंने पढ़ाया ये नहीं है कि मैं पेपर अपने हिसाब से चुन चुन के ला रहा हूं ये सब क्वेश्चन जो बायोलॉजी में सेट मिले तीस क्वेश्चन का सेट था उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन सब वही है जो मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है किंगडम मैंने पढ़ाया था फंगी किंगडम ठीक है वर्गीकरण है तो फंकी का जो सेल सेलवाल बना होता है किससे बना होता है आपको यह पूछा था कितने बार रिपीट हुआ होता है आपका काइटिन से बना रहता है ठीक है इन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग पार्ट ए इनफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ये वही कर पाएंगे जिनको मैंने समझाया था कि आखिर कैसे ट्रांसफर होता है न्यूरॉन जो होता है एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्या होता है नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र का होता है एक मैंने आपको इवन ये भी इस तरीके से बना के सिखाया था याद है सिखाया था बोल रहा हूँ मतलब दिखाया था ठीक है ये एक होता है ठीक है तो इसमें इस तरीके से होता है तो ये एक पूरा का पूरा न्यूरोन होता है एक न्यूरोन से दूसरा न्यूरोन कैसे ट्रांसफर होता है अरे कौन ही वैशाली एक्जन कैसे होगा एक्जन ये होता था देखो कि नहीं एक्जन ये होता था सिनेप्स सिनेप्स था वो वर्ड सिनेप्स भूल गए ये क्वेश्चन देखो थोड़ा ये देखो कितना दिमाग लगाए क्वेश्चन बनाने उसने डी कर दिया ठीक है हमेशा जब क्वेश्चन तो और आप लोग जल्दी से मार लेते थे क्योंकि आपने तो में करके रखा होगा ठीक है, है, है। मैंने पढ़ाया था ये चीज आपको चलो विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा वाला पार्ट कौन है आहार नाल का सबसे लंबा वाला हिस्सा कौन सा है तो आप सबको पता है कौन सा है तो वो है आपका स्मॉल इंटस्टाइन ठीक है छोटी आंत द द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द ऑप्टिकल डेकोरेशन ठीक है सजावट के लिए प्रकाश सजावट विज्ञापन के लिए ठीक है ट्यूब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है देखते हो ना लाइट बोर्ड जो लगा रहता है बड़ा बड़ा जो रहता है चमकीला बोर्ड लगा रहता है थे, ठीक है तो उसमें किस टाइप के जो ट्यूब लाइट के ट्यूब्स जो लगे रहते हैं तो किस टाइप ट्यूब के ट्यूब्स लगे रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कौन कर रहा है गुर्बक याद रखना इसका जो सही आंसर होगा इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका नियोन जो है इसका सही आंसर होगा याद रखना बहुत बार पूछा गया है चलो देखो वेन सिप फ्लोट ठीक है इसका यहां देख लो जब एक जहाज पानी पर तैरता है तो इसके द्वारा पानी का विस्थापन नहीं करता है अब ये देख लो चार ऑप्शन आपके सामने जल्दी से इसका आंसर दो जल्दी से पढ़ो फास्ट कमेंट करोगे ठीक है यही चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में अभी रिसेंटली आए अभी देखोगे जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा एकदम ताजा क्वेश्चन मतलब समझ लो ताबे पे रखा हुआ वाला क्वेश्चन से। अपना इसका क्या हो जाएगा बीज जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेज इक्वल टू द मास ऑफ सीप

तो C6, होता है इसका फॉर्मूला फॉर्मूलास एच सिक्स किसने डिस्कवर किया है इसको किसने किया जल्दी से बताओ तो माइकल फ्राडे ने इसको डिस्कवर किया है कितना बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है बारह सिग्मा बॉन्ड है तीन बाई बॉन्ड है ये बीपीएससी का क्वेश्चन है सिक्सटी सिक्स पीप्री वाला क्वेश्चन नंबर व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट द फ्रीजिंग ऑफ फ्यूल इन स्पेस क्राफ्ट ठीक है फ्यूल जो है स्पेस क्राफ्ट में ठीक है अंतरिक्ष में नहीं जमती आखिर क्यों नहीं जमती यहां ये पूछा जा रहा है ये तीस क्वेश्चन अभी बीस क्वेश्चन आपके सामने फिर हिस्ट्री का आएगा आज का जो कटअप था आपका थर्टी था ठीक है आप देख लो आप किस लेवल पे हो अगर इसको अच्छे से कर पा रहे हो मतलब आपने साइंस भी अच्छे से पढ़ रखा है ठीक है तो इसका क्या आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोल इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो ये अभी 30 अभी क्वेश्चन था हम लोग डायरेक्टली करेंगे आप हिस्ट्री पे जम्प करेंगे एक मिनट आप ऐसे ही रुकोगे अब बीस क्वेश्चन जो है आपको ठीक है आपको बीस क्वेश्चन जो मिलेंगे अब आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे अब मैं अब मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है अब मैं चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा ये फास्ट होगा ठीक है अगेन जो अभी तो कोर्स से नहीं जुड़े हैं ठीक है अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस ये आपके लिए आप जरूर जुड़िए अगर सिलेक्शन चाहते हो तो ठीक है जो भी नॉमिनल चार्जेस रखा गया फाइव फिफ्टी आप सबको ये पे कर सकता आप ये नहीं कह सकते कि नहीं सर मैं इतना पे नहीं कर सकता हूं ठीक है और ये वन टाइम है बार बार नहीं आपको पे करना है ठीक है पूरा कोर्स डिटेल अगेन सब चीज पता है वीडियो पीडीएफ बाई होगा मेरे द्वारा होगा पांच मार्क्स मार्क्सर मैथ्स में भी स्कोर करोगे प्लस जीके वर्ल्ड सिलेक्शन बैच है ठीक है चलो अब 20 क्वेश्चन ये सीपीओ के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली आए एकदम ताजा क्वेश्चन ठीक है अब देखो ये यह यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला गया है कि अष्ट महान का बुद्ध के जीवन से जुड़ा है मतलब इसमें कौन सा स्थान है जो बुद्ध के जीवन से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक है जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए देखिए तो इसका क्या हो जाएगा अस्ट महान कौन सा जुड़ा नहीं है आपको सबको पता है रायगढ़ जो होगा इसका सही आंसर होगा क्योंकि सारनाथ लुम्बिनी सबको पता है कोई इसमें नहीं रायगढ़ किससे रिलेटेड है याद है मराठा जब आप पढ़ोगे तो मराठा में आप समझोगे याद रखना मराठा ठीक है इसको मैं बताऊंगा जो कोर्स में गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला है जल्दी से बताए कला किसे यूनान ठीक है बेल्जियम बेल्जियम को क्या बोलते हैं पता है ना कॉकपिट ऑफ यूरोप ठीक है नहीं ओके चलो अभी दिमाग में ये नहीं आ रहा है बाकी जो कम जिनको आ रहे हैं दिमाग में बेल्जियम याद रखना अभी टॉप पे है फीफा में गंधार शैली सेलिन में से किस यूरोपीय देश की कला में प्रभावित है तो याद रखना यूनान इसका सही आंसर होगा ये जो हंगरी है ना इससे पता नहीं इसको क्या है एग्जाम इसका है ना ये इन्होंने कैपिटल बहुत बार पूछा है तो याद रखना हंगरी का जो कैपिटल है बुधापेस्ट है ठीक है क्या है बुधापेस्ट है इसका कैपिटल याद रखियेगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यस विशाल पांडे बोला है राज्य अभिषेक हुआ था गंगा भट्ट याद रखिएगा नींद में से कौन सा राजस्थान राज्य के स्थित एक ठीक है हरप्पा स्थल नहीं है पूछा जा रहा है और एक चीज ना मेरे को आप लोगों को बताना था ठीक है चलो हटाओ एक दो लोगों के लिए उसको यूज नहीं निम्न में से कौन सा राजस्थान राजस्थान में नहीं है तो आप सबको पता है वो कौन सा है आपका कौन सा राजस्थान में है ठीक है तो आपको सबको पता है वो है आपका काली बंगा ठीक है 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने ठीक है नस्लवाद शासन के खिलाफ अपने सबल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस आए था आपको पता है कब आए थे तो नौ जनवरी ठीक है और जल्दी से बताओ ये कब गए थे ठीक है कब गए थे कोई बताएगा इनका जन्म हुआ था 18, 1869 में ठीक है और ये कब गए थे तो बस को इधर उन्नीस सौ पंद्रह में आए थे, थे? थे. जन्म कब हुआ है एटीन सिक्सटी नाइन में इनका जन्म हुआ है जनवरी उन्नीस सौ अड़तालीस में इनको मार दिया गया था ठीक है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जनवरी निम्न में से कौन वैश्विक इसको मैंने एकदम दिमाग में ना डाल दिया आप लोगों ठीक है दिमाग में ठीक है वैश्विक दर्शन घूम घूम के नारद ठीक है घूम घूम के नारद ठीक है नारद कन्नद नारद कन्नद ठीक है तो क्या हो जाएगा वैश्विक दर्शन कन्नद जैमिनी पतंजलि गौतम सब मैंने आपको करवाया है ठीक है मध्ययुगीन यात्री मार्कोपोलो नीम से कहां से आया थे ठीक तो है तो यह आपका कहां से आए थे जल्दी से देखिए वेनिस हिस्ट्री के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए होता ही नहीं है आपको अपना कंटेंट दिमाग में रखना है और एक सही तरीके से पढ़ना है ठीक है साइंस के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा हर चीज ठीक है इसमें कुछ नहीं बस पढ़ना है 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू बेहतरीन 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 क्वेश्चन 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने सांसद को संबोधित किया था सही बात है उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन था बहुत ही बढ़िया जस्ट उनके खत्म के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था जो संबोधित किया था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बेहतरीन ठीक है निम्न में से कौन सा शब्द बोध स्तूपा की वस्तुकला से संबंधित है नहीं इसका आई थिंक मैंने गलत बता दिया इसका जो आंसर होगा ये होगा राधा कृष्णा ठीक है मेरे जस्ट इसलिए मेरे दिमाग में किया राधा कृष्णा जो थे उन्होंने किया था सेवन का सेवन का बोलो सेवन का क्या होगा ठीक है सेवन का बी होगा ठीक है याद रखना सर्वपल्ली राधा कृष्ण थे अब देखो निम्न में से कौन सा शब्द बुद्ध स्तूपा की वस्तुकला से संबंधित नहीं है तो याद रखना इसमें संबंधित नहीं है कौन सा निम्न में से कौन सा शब्द बोध स्तूपा की वस्तु क्लास से संबंधित है पूछ रहे तो कौन सा है हरि मिक्का जो इसका सही आंसर होगा ये आपको लो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ठीक है हरी मिक्का इसका सही आंसर है मेहरगढ़ नव प्राचीन काल नव प्राचीन काल होता है मतलब न्यू स्टोन एज ठीक है न्यू स्टोन एज कला की बस्ती पाकिस्तान के कौन से इलाके में है सिंध पंजाब बलूचिस्तान खैवर तो याद रखना इसका क्या हो जाएगा बलूचिस्तान इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न से कौन सा भारत पहला गवर्नर मतलब बाईसराय कौन था पुर्तगाली बाईसराय ये वही था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था याद है कि भूल गए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था ठीक है तो कौन है ये डी अल्मीडा से कौन सा स्तूपा स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है यहाँ ये पूछा था कि कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश में भरूत चौखडी धामेक और रामभर इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिख लेने ठीक है लिखने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको

ठीक है कि यूपीएससी का थोड़ा अच्छे लेवल पे एकदम एग्जाम लिया था बाकी सबके मेनली क्वेश्चन जो होते हैं बनाए जाते मतलब कॉपी पेस्ट होते हैं जयप्रकाश नारायण को क्या बोला जाता था तो लोक नायक बोला जाता था वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है ज्ञाति बाली विदास और संहिता तो इसका क्या आंसर हो जाएगा संहिता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की आपको सबको पता है 1526 से 1530। टंग पे एकदम बोलते हैं ना जवान पे रहना चाहिए किसका बाबर 1530 से 1556। किसका? 1556 से 1530 से 1556 आपका हुमायूं और 1556 से 1605 आपका कौन अकबर और अकबर के बाद कौन आएगा 1605 से 1627 आपका कौन आएगा सलीम बाबा तो आ जाएंगे सलीम जी ठीक है भारत का राष्ट्रगान जनगणमन याद रखना दो चीज वंदे मातरम एंड जनगणमन ये दो ऐसे थे जो डिफरेंट कांग्रेस सेशन में गाए गए थे और दोनों ही कहा गाए गए थे कहाँ गाए गए थे कहाँ गाए गए थे ये गाए गए थे आपके कोलकाता में ठीक है कोलकाता में बंदे राम मातरम जो गाया गया था एट्टीन बच्चों सुन लो 1896 याद रखना और जनगणमन 1911 याद रखना इसमें कौन था रहमतुल्ला सियानी जी चेयरमैन थे उस कांग्रेस सेशन के और 1911 वाला जो जनगण मन हुआ था इसमें कौन सेशन थे तो आपके विशन नारायण थे ठीक है तो भारत का रास्ता दोनों याद रखना समझ में आ रहा है जो बता रहा हूं तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था कहा है अब मुझे जल्दी से बताओगे मेरे दोस्तों ठीक है स्पेशल क्वेश्चन ये जो कालिंजर का अभियान जो हुमायूं ने किया था ठीक है कब किया था जल्दी से कमेंट करोगे अगर आपने मेरे तरीके से पढ़ा है हर एक चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जल्दी से बताओ और एक बार जल्दी से सब लोग लाइक कर दीजिए जल्दी से लाइक लाइक नहीं तो डिसलाइक करो ठीक है पर करो कुछ एटलीस्ट यूज योर फिंगर फास्ट ठीक है सब लोग लाइक करो इतना मेहनत किया जा रहा है पर आप लोगों के लाइक करने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है रात को मैं करेंट अफेयर करवाऊंगा एक आए दस आए पाऊंगा मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहना चाहिए ठीक है एग्जाम का पेपर जब आप देख के आओगे मैं एक-एक दिखाऊंगा कि ये मैंने आपको पढ़ाया था ठीक है चलो तो कालिंजर का जो ये है पहले आपको याद रखना चाहिए कोई बोल रहे थर्टी वन कोई बोल रहे हैं फिफ्टीन फिफ्टी वन कोई उन्नीस सौ पैतालीस ये हुमायूं वाला बोल रहा हूं मैं थर्टी टू नहीं होगा अब जाके एक बार देखना ठीक है अरे मैंने साइंस को क्वेश्चंस तो इंग्लिश में ही थे अब मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूं व्हाट इज अब हिस्ट्री में भी इंग्लिश खोज रहे हो कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद है कंबन ने किस भाषा में रामायण लिखी थी तो ये आ देखना तमिल भाषा में ठीक है किस भाषा में तमिल भाषा में जी आप लेट हो आज आपका अच्छा रहता है पंकज चलो चलो कमेंट करो तो ये तमिल इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में अब देखो मेरे बच्चों मैंने आपको क्या बोला था कि हमेशा वायसराय का टाइम याद हो स्पेशली जो बहुत ही प्यारे प्यारे जो मतलब है जैसे कि स्पेशली रिपन जी बहुत ही मतलब उधार वादक थे अपने समय 1880 से लेकर 1884 तक बहुत सारी चीजें हुई इनके समय में जिसमें एक था 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति रिलेटेड टू क्या था एडुकेशन था ठीक है ये हो जाएगा रिपन रिपन का टाइम पीरियड याद रखना 18 से 80 से एटीन तक ठीक है ठीक है चलो इतमादुद्दोला का मकबरा जिसमें पिटोडूरा ये भी पिटोडूरा आज याद है पिटोडूरा याद है ये भी अभी 66 वाला बीपीएससी में इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था ठीक तो है तो इतमादुद्दोला कौन था पता है ये हाँ जहांगीर की जो वाइफ है नूर जहां उसके पापा जी हैं ठीक है पिटोडूरा के साथ सजावट की गई है डैश में स्थित है जल्दी से बताइए कहाँ स्थित है तो इसको कौन बनाया था ना ठीक है इसके मकबरा तो याद रखना दसों बार पूछा गया तो नूरजहां ने बनवाया था ठीक है कहा है ये तो ये आगरा में है अभी लास्ट क्वेश्चन है ठीक है अब, है, अब मुझे जल्दी से कमेंट करोगे कि मुगल पेंटिंग ठीक है मुगल पेंटिंग जो है ठीक है चित्रकला जो है मुगल चित्रकला किसके समय में स्टार्ट हुआ हुमायूं के समय में हुआ अकबर के समय में हुआ जहांगीर के समय में हुआ या बाबर के समय में हुआ ये लास्ट क्वेश्चन है टोटल आपका हो गया जल्दी कमेंट कीजिएगा कि आपने पचास में आज का था सी बोल रहे हो जहांगीर ग्यासबेग बहुत ही बढ़िया कौन बोला ग्यासबेग रोशन कुमार रंजन बहुत ही बढ़िया उनका नाम ग्यासबेग भी था बहुत ही बढ़िया किसने बोला हिमा अंशुमन ठाकुर चलो सब लोग गलत हो ठीक है अंशुमन जी का सही आंसर बाकी लोग भी सही दिए होंगे इसका जो तो सही आंसर है वो है हिमायु यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल पेंटिंग किसके समय में स्टार्ट हुआ ये नहीं पूछा जा रहा है कि मुगल पेंटिंग किसके समय में बेस्ट या चरम सीमा पे थी ठीक है ये क्वेश्चन अब रट लो क्योंकि आप हमेशा कन्फ्यूज करोगे क्योंकि आप जब भी पेंटिंग समझते हो तो समझते हो कि जहांगीर ही होगा पूछा जा रहा है किसके समय में स्टार्ट हुआ तो हिमायू के समय में ठीक है समझ में आ गया सो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड डू लेट मी नो फिर एनी काइंड ऑफ डाउट किसी भी तरीके का किसी भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है ठीक है चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे जीएस हो चाहे मैथ्स हो कुछ भी हो ठीक है ये कोर्स है आपके लिए अभी भी सोचना नहीं है ये कोर्स नॉमिनल चार्जेस देखिए फ्योश्योर सिलेक्शन कोर्स आप ले सकते हो जो ऑलरेडी कोर्स में एटलीस्ट अपने दोस्तों को बताइए ठीक है और एक चीज बता देता हूं जो चीज ठीक है अगर मैं यहाँ नहीं पर आऊँ और मैं चीज़ें सेल करने लगूँ दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाऊँ तो चीज़ें और महंगी हो जाएगी मेरे लिए ठीक है मतलब आप लोगों के लिए मैं यहाँ वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ अब खैर आप समझदार हो मैं क्या बताऊँ ठीक है आप कभी देखो कि मैं किसी चीज़ का एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ हर वीडियो में आप देखते होगे कि लोग एडवर्टाइज़ करें किसी चीज़ का ठीक है मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप वहाँ जाओगे हजारों रुपया खर्चा करोगे ठीक है बट वो कंटेंट नहीं मिलेगा ठीक है थैंक यू सो मच और बाकी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए पढ़ते रहिए दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और डू लेट मी मीन एनी काइंड ऑफ डाउट स्टडी वेल स्टडी हार्ड जय हिंद हाँ पीडीएफ पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा और व्हाट्सएप में भी मैसेज कर देना ठीक है दोनों ज्वाइन कर लेना प्रोवाइड कर दिया जाएगा ठीक है अगर लेट हो जाए तो शांति रहिएगा